नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय रैना, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त कोरोना का जो सेकंड वेव चल रहा है, बहुत घातक है, ये ज़्यादातर यंग लोगों को इफेक्ट कर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि जैसे हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं, बहुत खतरनाक मरीज़ आ रहे हैं, बहुत खतरनाक मरीज़ जुट रहे हैं हमारे पास, जिनकी सैचुरेशन लेवल 50, 40, 60 ऐसे आ रहे हैं। तो इसका जो मेन रीज़न है, जो आज हमने देखा, पिछले एक साल से देख रहे हैं, कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अगर हम मास्क लगा के बैठे, इवन घरों में भी मास्क लगा के बैठे, और जो अगर हम बार बार हाथ धोए, हाथ सैनिटाइज करें या हाथ धोए बार बार, ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बात यह है कि अगर आपको घर से तभी निकलो जब ज़रूरी हो, अदरवाइज़ घर से बाहर मत निकलो। और एक और बात है कि अगर जो जहाँ पर गैदरिंग आपको दिखे वहाँ गैदरिंग में मत जाइए, जहाँ ग्रुपिंग होती है वहाँ मत जाइए। अगर कहीं ऐसा कोई काम है तो थोड़ा लाइन मेंटेन करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, तभी बाहर से निकलें। ये अपील करता हूँ मैं आपके माध्यम से कि बहुत खतरनाक सिचुएशन है इस टाइम, जो एज मेडिकल स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पेशेंट आ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। वो सांस लेने के सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनके साथ बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ उनको सारी सुविधा दें, मगर मैं चाहूँगा कि ये हालात क्यों ही आए। आप अगर घरों में ही सेफ रहे, पहले अपने आप को ध्यान रखें, प्रिवेंशन करें, फिर ज़रूरी नहीं है, मर्ज़ी आपकी है। आप सिंपल मास्क पहनना चाहते हो कि ऑक्सीजन मास्क, ये मर्ज़ी आपकी है, ज़िंदगी आपकी है।